आदाब, एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल कानपुर में 24 नए मरीज मिलने के बाद आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 और पॉजिटिव केसों का पता लगा है जो कुली बाजार क्षेत्र के हैं। इस तरह कानपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। कानपुर नगर में प्रातःकाल जो जांच की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 6 और केसेस बढ़े हैं जो कुली बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं। इनको मिलाकर के कुल 113 केसेस हैं जो हैं डिटेक्ट हो गए हैं। इन्हीं सब के उपचार के लिए 6 केसेस को हम अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। थाना सीसामऊ, चमनगंज व बजरिया के रेड जोन एरिया में लॉकडाउन को कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए प्रातः 6 बजे से भ्रमण एवं चालान की कार्रवाई की जा रही है। ACM 3 श्री अनंत अग्निहोत्री द्वारा निवासियों को संदेश दिया गया। क्षेत्राधिकारी सीसामो भी साथ में उपस्थित रहे। बाहर निकले और कचरा पार्टी हो जाए उन्हें आपको बचाएगा अपने घर में आए पूरा एरिया कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित है। बाहर निकलेंगे कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कृपया करके अपने अपने घरों में ही रहे। पूरा एरिया कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, रेड जोन घोषित किया जा चुका है। आप लोग अपने अपने घरों में रहे होते। कानपुर में अब तक हॉटस्पॉट एरिया बनने से अछूते रहे बेगनगंज में मुन्नापुरवा के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सख्ती बढ़ा दी गई है। यही हालात प्रेमनगर पेशकार रोड का भी हुआ है। अब घनी आबादी वाले इन इलाकों में पुलिस ने एक भी वैकल्पिक रास्ता नहीं छोड़ा है, जिससे होम डिलीवरी भी गुरुवार से बंद हो गई है। दूध वालों से लेकर ज़रूरी सामानों को घर घर बेचने वाले लोगों का आना जाना बंद हो गया है। मुन्नापुरवा में मरीज मिलने से बाबा चौराहे से कंघी मोहल के रास्ते मुन्नापुरवा होते हुए नाला रोड चमनगंज का रास्ता बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग न मिलने से होटलों की बेंचें और तख्तों को लगाकर रास्ता बंद किया गया है। इसी तरह प्रेमनगर गुरुद्वारे के पास भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि यहां पर अतिरिक्त सुरक्षित रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे परेशानियां हो रही हैं। पेशकार रोड जाने वाला रास्ता डॉक्टर नज़ीर चौराहे से बंद कर दिया गया है। तकिया पार से पेशकार रोड जाने वाला रास्ता पहले से बंद करने से सीसामऊ की तरफ से आने जाने वालों को भी रोका गया है। तकिया पार का रास्ता खुले तो आसानी चमनगंज के सीसामऊ तेराहे से तकिया पार्क होते हुए पेशकार रोड की तरफ का रास्ता खुलने से दिक्कतें कम हो सकती हैं, क्योंकि उधर प्रेमनगर गुरुद्वारा का हॉटस्पॉट आगे चलकर बंद है। यहां से होम डिलीवरी करने वाले ठेले, दूध वाले और मरीजों को लाने ले जाने में कुछ राहत मिल सकती है। आज से रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए मुस्लिम इलाकों में सख्ती कड़ी कर दी गई है। हम एसके न्यूज़ आपसे ये गुजारिश करते हैं, रमज़ान के महीने में भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अपने ही घरों में रहकर नमाज, इबादत, तरावी वगैरह अपने ही घरों में रहकर पढ़ेंगे। जो लोग अपने घरों के छतों पे हॉल में तरावी का इंतज़ाम करने की सोच रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश करते हैं, एसके न्यूज़ गुजारिश करता है, वो लोग भी इस तरह का आयोजन न करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। नमस्कार।